हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है ट्यूसडे मॉर्निंग, अभी बज रहा है सुबह का 8। आज की हमारी मॉर्निंग थोड़ी प्रोडक्टिव रही है, मैंने थोड़ी सी रीडिंग की है अपनी। होपफुली आई बिल्ड अपॉन दैट और कल और पढ़ूंगा एंड इट बिकम्स अ रेगुलर का कंसिस्टेंट हैबिट। अभी आज का दिन शुरू करते हैं। आई विल स्टार्ट बाय चॉपिंग ऑफ सम फ्रूट्स और फिर हम नाश्ता वगैरह का देखेंगे एंड देन विल गो ऑन अबाउट इट। चलो ये हमारी फ्रूट प्लेट तैयार हो गई है। एप्पल्स, ग्रेप्स, मिनी ऑरेंजेस, क्यूटीज और स्ट्रॉबेरी। मुझे पता है क्या लगता है, स्ट्रॉबेरी ना सबसे बड़ा स्कैम है। ये अंग्रेज़ों के चोचले हैं जिसने स्ट्रॉबेरी को इतना फेमस कर दिया है। टेस्ट वाइज कुछ भी खास नहीं होती है। इमोशनल डैमेज, ये मैंने बड़ी बड़ी देख के ले ली थी। होपफुली अच्छी होगी, मीठी होगी। हर बार मैं स्कैम में फंस जाता हूँ, स्ट्रॉबेरी देख के मन से चाह जाता है, बट दे आर नॉट एट ऑल स्वीट। हल्का सा टैंगी टेस्ट है, ठीक है, खाने लायक है, बट नॉट वेरी गुड। अब ले ली है, ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है, सो जस्ट ईटिंग। कल मैंने 2 काटी थी, वो काफ़ी हमारे लिए वो टास्क हो गया था खत्म करना, इसलिए आज मैंने 1 ही काटी है एंड विल स्लोली स्लोली ईट इट। और ब्रेकफास्ट प्रेप इज़ डन जी। मैंने अपनी किसी तरह से मोड़ माड़ के एक डबल एग चीज़ ऑमलेट बना लिया है, डोसा ऑमलेट बना लिया है। ये वैष्णवी का टोस्ट है और ये वैष्णवी की क्राउड फेवरेट कढ़ाई वाली चाय बन रही है। इसको तो आप थोड़ा देर और पका दिए तो काली चाय हो जाती है विद लॉट्स ऑफ आयरन कंटेंट। और साथ में मैं ये भी ले रहा हूँ, कोकोनट वाटर। पता नहीं खाली पेट लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आई थिंक लेना चाहिए, शुड बी वेरी हेल्दी। लेट्स सी। हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग अभी घर से निकल चुके हैं, अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:15 और हम लोग थोड़ा ऑफिशियल वर्क से जा रहे हैं बाहर। हम लोग नाश्ता कर चुके हैं, आके लंच करेंगे, देखते हैं लंच में क्या खाते हैं। अभी हम लोग थोड़ा काम से बाहर निकले हुए हैं, आपको बाहर का नज़ारा भी दिखा देते हैं। मौसम ठंडा है और बाहर हल्की हल्की धूप है, पर ठंड कम हो गई है। आए थे तो ज़्यादा थी, अभी तो ठंड काफ़ी कम है, पर ठंड है, जैसी फेब में होती है इंडिया में उतनी ही ठंड है। तब तक आप लोग बाहर का व्यू भी ले लीजिए, हमारी सोसाइटी से बाहर निकलते हुए। वन थिंग इज़ गुड इन US, यहाँ पे बहुत सारी लग्जरी कार्स देखने को मिल जाती है, कार्स का कलेक्शन काफी अच्छा है यहाँ। ये आ गया पूल एरिया, यहाँ पे है सोसाइटी का पूल। उधर सोना भी है, सोना बोलते हैं ना, काइंड ऑफ हॉट वाटर बाथ जो पूल के जस्ट बगल में होता है। अभी हम लोग को आधा घंटा लगेगा पहुंचने में जहां जाना है। गवर्नमेंट ऑफिस जाना था, वो काम हो गया, बट बहुत वेट करना पड़ा।
गवर्नमेंट ऑफिसेज शायद हर जगह के एक जैसे ही होते हैं, जस्ट लाइक इंडिया सेम US. तो फाइनली वो काम हुआ और अब हम लोग वापस घर के लिए जा रहे हैं. तो आधा घंटा लगेगा वापस घर पहुंचने में. एंड बस घर पहुंचेंगे और फिर लंच करेंगे. तब तक आप बाहर का नज़ारा ले लीजिए. हे गाइस, तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं. ऑफिस मेरा अभी भी मैंने स्क्रीन हटा दिया है बट चल रहा है. सुबह नाश्ता बहुत हैवी हो गया था तो मैंने लंच स्किप कर दिया. मैं पेट भरा भरा लग रहा था. अभी शाम को मैं पराठा खा रहा हूँ और वैष्णवी ने लंच कर लिया है. वो अपने बाकी काम धाम देख रही है. आई डोंट नो आज का काम कब ख़त्म होगा. लेट्स सी. देखो आलसी पांडा, ये दिन भर बैठ के यूट्यूब देखता है, यूट्यूब शॉर्ट्स देखता है, इंस्टाग्राम रील्स देखता है, फिर फेसबुक पे रील्स देखता है, सब खत्म हो जाता है, फिर दोबारा सर पर शुरू. हाय पीपल, तो हम लोग आज बनाने वाले हैं मलाई दो प्याज़ा. उसके लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, प्याज, पनीर भी डाल सकते हैं और दूध की फ्रेश मलाई. तो यहाँ पे तो दूध की फ्रेश मलाई अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग उसको रिप्लेस करेंगे फ्रेश चीज़ से. तो वेजीज कट चुकी हैं, दिखाते हैं आपको. यहाँ पे है येलो बेल पेपर, प्रॉपरली बिग डाइस्ड अनियंस एंड चॉप टोमेटोज यहाँ रखे हैं. तो आज बनेगा मलाई दो प्याज़ा. मैंने तेल में डाले हैं थोड़े खड़े मसाले और बस शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर. अब इन पे हम अपने थोड़े रेगुलर वाले मसाले डाल सकते हैं और बस उसके बाद क्रीम. ये बहुत ही इजी और फटाफट बनने वाली सब्ज़ी है. तो अभी कुछ समझ ना आए क्या बनाएं तो ये हमारी गो टू सब्ज़ी होती है. इसमें आप सिर्फ मसाले और दूध की मलाई अगर डाल दी जाए ढेर सारी अच्छे क्वांटिटी में तो ये बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है. यहाँ पे हम देखते हैं आज चीज़ के साथ ये सब्ज़ी कैसा टेस्ट करती है, बट मलाई के साथ तो ये बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है. लेट्स सी. तो यहाँ पे आ गया है चीज़, काफ़ी सारा हमारे पास वैरायटी ऑफ चीज़ था तो वो सब आ गया है. पर आप फ्रेश दूध की मलाई डालें तो उसका टेस्ट मुझे पता है कैसा होता है. ये तो खाकर ही बता पाएंगे कि ये कैसा आने वाला है, बट फ्रेश दूध की मलाई के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही औसम लगती है. एकदम क्विक एंड सुपर टेस्टी. इसमें पनीर भी मिला सकते हैं, हमने तो इसमें सिर्फ चीज़ मिलाया है. देखते हैं इसमें क्या. शिमला मिर्च येलो वाला था हमारे पास इस बार, अनियन एंड टोमेटो, दैट्स इट. तो अभी कुछ ऐसा है लुक. बस इसमें धनिया पाउडर, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, जो भी आपके रेगुलर मसाले हैं वो गए और बस थोड़ा सा गरम मसाला डाल के ऊपर से हम इसे बंद कर देंगे, दैट्स इट. अभी बज रहा है रात का, दिखा देता हूँ. और अभी एक घंटे पहले तक मेरी मीटिंग चली है, रात के 9 बजे तक मीटिंग चली है. सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक काम. हाँ क्या बोलूँ, दिस इज द लाइफ आई हैव चोजन. मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है मेरा. एनीवेज हमारा डिनर हो गया है वैष्णवी ने. सो क्या बोलते हैं, कौन सी सब्जी? मलाई दो प्याज़ा बनाया है, प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर से क्रीम डाल के. विल हैव इट. और उसके बाद कैरेमल आइस, सी सॉल्ट कैरेमल आएंगे, जिसमें से कैरेमल बीन बीन के ये लड़की खा जाती है और मुझे सी सॉल्ट खाना होता है. बट विल ईट इट एंड आफ्टर दैट विल गो टू स्लीप. इट वॉज अ लॉन्ग डे. आप भी आराम कीजिए. प्लीज़ लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. अगर कुछ भी आपको कमी लग रहा है, यू हैव एनी सजेशंस, फील फ्री टू पुट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड विल वर्क ऑन इट. बाय.